दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, बिजनौर की रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले समाजवादियों को जनता की चिंता नहीं, अपनी तिजोरी भरने की प्यास थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिजनौर में चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री पहले खुद फिजिकली बिजनौर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम हो गया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। यह पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों के परिवार में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की प्यास से कोई भी मतलब नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। यूपी की भाजपा सरकार किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ पैसे ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलाकर नहीं किया गया। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का बोलबाला था। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने किसानों को ये दिन दिखाए थे, वे कभी किसानों का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी खरीदारी हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे दोगुने से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जब उनकी सरकार थी तो वो लोग इस इलाके में आपके गांव में कितनी बिजली देते थे। याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चैन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। हम चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिश में जुटी है, यहाँ के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों को हर संभव सहायता दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, लोगों से बीजेपी को सजा देने की फिर से की अपील। आपको बता दें कि मेरठ में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को सजा दे। वोट मांगने वाले नेताओं, विधायकों और सांसदों से सवाल करें, आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए उनसे 5 मिनट का मौन रखवाया जाए। किसान, मजदूर और दुकानदार बीजेपी को सजा दें। किसान मोर्चा के लोग घर घर जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम में हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग दिखते तो पुजारी जैसे हैं, लेकिन बलि देने वाले पुजारी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि काफी दिन से एक बिरादरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि अगर जनता बीजेपी को वोट नहीं दे तो कौन सी राजनीतिक पार्टी को वोट दे, तो उन्होंने कहा कि किसे वोट देना है ये बताना हमारा काम नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी सरकार से है, जाट किसे वोट कर रहा है ये हमें नहीं पता और ना ही हम जाट मंच चलाते हैं। एक जाति विशेष को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो चलेगा नहीं, पुराने मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपनी मर्यादा में रहें, ये चलते फिरते लोगों की भाषा है, वे अपने विकास की बात करें। राकेश टिकैत ने कहा कि सवाल करते ही नेता भाग क्यों रहे हैं, उनके पास रोड मैप नहीं है, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने का बीजेपी का ठेका नहीं है। मुख्यमंत्री वोट मांगने वालों से शहीद हुए किसानों के लिए मौन धारण कराएं। 750 किसान शहीद हुए हैं, ये हैं तो पुजारी की भेषभूषा, लेकिन बलि देने वाले पुजारी हैं। बिहार में लालू के परिवार को तोड़ा, यूपी में मुलायम के परिवार को तोड़ा, ये तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। कोरोना काल में मरे लोगों का इनके पास डाटा तक नहीं है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने जनता से एक बार फिर से बीजेपी को सजा देने की अपील की है। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव में ममता दीदी की हुई एंट्री, आज लखनऊ पहुंचेंगी ममता बनर्जी, कल अखिलेश यादव के लिए करेंगी प्रचार। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। ममता बनर्जी आज लखनऊ आ रही हैं, वे यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी और 8 फरवरी को अखिलेश यादव के समर्थन में वर्चुअल रैली भी करेंगी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने अपना खुला समर्थन दिया था। अब उसी कर्ज की वापसी ममता बनर्जी लखनऊ दौरे में
करने जा रही हैं, जिसका ऐलान रैली और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि ममता दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी आरजेडी समर्थन दे चुके हैं और अब टीएमसी का साथ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि टीएमसी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी। टीएमसी का यूपी में जनाधार भी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन अखिलेश यादव की ताकत और बढ़ाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये 2022 से आगे बढ़कर ममता का 2024 का प्लान है, जिसमें वो अपनी पीएम पद की दावेदारी के लिए क्षेत्रीय दलों से हाथ मिला रही हैं। ममता बनर्जी गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का मोर्चा बनना चाहती हैं। यूपी में अखिलेश यादव इसमें अहम कड़ी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंचेंगी और कल से प्रचार अभियान शुरू कर देंगी। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के लिए खुला समर्थन दे दिया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले, गुंडे आज मांग रहे जान की भीख, कह रहे कि बख्श दो, रिक्शा चलाकर कर लेंगे गुजारा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग में अब 3 दिन बचे हैं। इस बीच सभी दलों की ओर से कैंपेनिंग तेज हो गई है। यही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यूपी के चुनाव में कैंपेन के लिए आने वाली हैं। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर प्रचार करेंगी। उनके यूपी में आने को भाजपा के खिलाफ सपा की मोर्चेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ में मिलकर 8 फरवरी को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी, जो पहले राउंड की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजरौल में रैली को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि एक दौर था जब यहां माफियाओं का राज था, लेकिन आज गुंडे कहते हैं कि हमारी जान बख्श दो, हम रिक्शा चलाकर गुजारा कर लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पश्चिमी यूपी में दंगे हो रहे थे तो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? एक लखनऊ से दंगा करा रहा था तो दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि एक दौर था जब यहां माफिया राज था, लेकिन आज गुंडे कहते हैं कि हमारी जान बख्श दो, हम रिक्शा चलाकर गुजारा कर लेंगे। और ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा, बीजेपी अगर विपक्ष से अलग ना हो तो मत देना वोट। ये आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर जिले के दोनों विधानसभाओं की जनसभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पहुंचे। सुमेरपुर के गायत्री तपोभूमि में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में बहुमत मिलते ही देश हित के कार्य करते हुए धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। साथ ही कहा कि इस बार यूपी का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। ये चुनाव विकासवादियों और विकास विरोधियों के बीच में है। अन्य पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर उनसे अलग ना हो तो वोट मत देना। राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो शीर्षासन की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के विकास के आगे विपक्ष नतमस्तक हो गया है। योगी सरकार में माफिया और गुंडे जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को हर घर नल जल योजना से जोड़ा गया है, जिसके चलते हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे हर घर की प्यास बुझेगी। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, आलू से बनवाएंगे शराब, सपा की सरकार बनने पर आगरा में लगवाएंगे शराब का प्लांट। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो वो आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे। उन्होंने आलू से शराब बनाने के लिए बोर्ड का प्लांट लगवाने का भी वादा कर दिया है। अखिलेश यादव ने मंच पर 7 खड़े प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा कि ये एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं। ये जो एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ, आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें शराब का प्लांट लगवाना पड़े, वो हम इनसे लगवाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि प्रोफेसर प्रत्याशी को पूछा कि बताओ, आलू से बोर्ड का बन सकता है, शराब बन सकती है कि नहीं? भाई, इनसे पूछ लें, ये पढ़े लिखे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई भूल गए। प्रत्याशी ने इशारा करते हुए अखिलेश यादव की बात पर पूरे तरीके से हामी भर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, ये आलू बेल्ट का हिस्सा है एतमादपुर, लेकिन आलू के लिए भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम सिंचाई के लिए बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट की घरेलू बिजली भी देंगे। सपा सरकार बनने पर किसानों को 15 दिन में गन्ने का भुगतान मिलेगा। सिंचाई बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, ब्याज मुक्त लोन की भी व्यवस्था करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में ढील देगी, ताकि कोविड-19 के कारण भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को लाभ हो सके। यहाँ एक जनसभा को संबोधित
संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कई युवाओं ने कोविड 19 महामारी के दौरान सेना और पुलिस में भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर लिया है। हम सेना को एक विशेष अनुरोध भेजेंगे कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भर्ती किया जाए और अगर जरूरत पड़ी तो हम पुलिस भर्ती में कोविड 19 के कारण आयु सीमा में भी ढील देंगे। और ये बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 3 अंकों में भी नहीं पहुंच पाएगी सपा, बसपा और कांग्रेस। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस 3 अंकों से पहले ही निपट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा सीट इस बार जीतेगी। उप मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर के प्रज्ञान स्कूल में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रज्ञान स्कूल में आयोजित सभा में बीजेपी उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा और कांग्रेस को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये तीनों दल इस बार 3 अंकों से पहले ही सिमट जाएंगे। और ये बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राम मंदिर पर मांगा वोट, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। यहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बुलंदशहर में कार्यक्रम था। स्वतंत्र देव सिंह सियाना विधानसभा के बाद बुलंदशहर मोतीबाग कार्यक्रम स्थल पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रीनगर में जब आतंकवादी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हत्या कर देते हैं तो उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे चलती है, कश्मीर बदला है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 26 सालों तक हमारे आराध्य रामलला टेंट बारिश तूफान में रहे तो केवल कांग्रेस के कारण कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि ये बाबरी मस्जिद है, मंदिर नहीं है। इन्होंने राम मंदिर और राम के अस्तित्व को नकारा। ये एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है तो अयोध्या में राम के मंदिर की नींव रखता है। योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज बुलंदशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा कर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।